हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो दे विच क्लास टेंथ दे जिहड़े कि परसों पेपर होने जा रहे हैं उसके कुछ इंपोर्टेंट थ्यूरम्स ने जिहड़ियां कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन विच पक्कियां होणगियां। जेकर इस वीडियो नूं तुसीं एंड तक देखोगे तो तुसीं अपने 6 मार्क्स जिहड़े कि नहीं पक्के कर लोगे, क्योंकि तुहानूं पता है लोंग क्वेश्चनां दे विच एक सिर्फ मेन मीडियन मोड ते एक थ्यूरम्स वाला क्वेश्चन आना है। वीडियो नूं स्किप ना करो, एंड तक देखो। थ्यूरम्स बहुत इंपोर्टेंट ने, सौखे तरीके थ्यूरमा कराइया जाएगियां। तुसीं जेकर वीडियो नूं एंड तक देखोगे तो तुहानूं समझ आऊगा कि आपां थ्यूरम च लिखना की है, जिसने सानूं 6 तो 6 मार्क्स मिलेगा। कि मैं थ्यूरम की अलग वीडियो पाऊंगी तो इस आपां वीडियो के अंदर थ्यूरम्स देखांगे। चैनल के नवे हो तो प्लीज़ चैनल नूं जल्दी तो जल्दी सबसक्राइब कर लो। इन्हां 3 दिनों के बहुत इंपोर्टेंट चीज़ा कि जिहड़ियां कि तुहानूं करवाइया जाएगी, जो कि थोड़े पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो मैं 1 या 2 बजे लाइव क्लास लाऊंगी, तुसी उस तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप लाइव क्लास के विच देखांगे एक पेपर इंपोर्टेंट जो कि बहुत वायरल हो रहा है, बोर्ड वालों पेपर है, तो आप देखांगे। चलो आप इस वीडियो में देखते हैं पाइथागोरस थ्यूरम। तो फर्स्ट उन्होंने पूछा होगा थानू किसे समकोणी की कोण विच करण दा वर्ग बाकी 2 भुजावां दे वर्गां दे जोड़ दे बराबर है। तो इस तरह ही इंग्लिश देख लो कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा कि थानू जिहड़ी 1 साइड हुंदी है, लोंगेस्ट साइड हुंदी है, वह 2 साइडां दे ही क्यों बराबर मनी जाती है, मतलब सम ऑफ 2 साइड क्यों हुंदा है। तो मतलब हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस दी स्केयर। तो तुसीं देख सकते हो H2 इज इक्वल टू P2 प्लस B2। ठीक है, इदा का क्वेश्चन पूछा जाऊगा थानू। आप इसनों ही सिद्ध करना है कि जिवें फॉर एग्जाम्पल देख लो 5 की 2 होंगे, जेकर यह 5 है 3, ठीक है 4 इदा होंगे, तो 5 की 2 इज इक्वल टू 3 की 2 प्लस 4 की 2 प्लस करके 25 ही आता होंगे। तो क्यों आता है आप सिद्ध करना है। तो सब तो पहले आप वाली ट्रैंगल में थोड़ा टेढ़ा कर लें, मतलब साइड पर इदा रख लें। जे आप वाल ट्रेंगल में घुमाइए तो इदा की बनूगी, ये जरा इधर आजूगा, इधर आजूगा, तो नीचे जोड़ा सी इधर आजूगा, उपर जोड़ा बी रह जूगा। ठीक है, फिर आप इसमें मिलावे तो एक इतने बन रहा, इतने तो चलो बनता ही सगा बी वाला, इतने डी आजूगा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रेंगल समझ हूँ आप सोल्व करना है। एक मिनट, नैक्सट इसने इन्होंने दसिया दिता है, तुम सब तो पहले दिता है लिखना है ए बी सी विच बी कि थोड़े को 90 डिग्री। तुम देख सकते हो थोड़ा 90 डिग्री गिवन है, ये देखो 90 डिग्री। नैक्सट सिद्ध की करना है तुम, ए सी स्केयर हुई मैं हाइपोटेनिस की स्केयर ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। वीडियो में एंड तक जरूर देखियो, हर एक थ्यूरम इस वीडियो के अंदर सोल्व किया जाऊगा। चैनल पर नवे हो तो प्लीज़ चैनल सबसक्राइब कर लियो, एक मिनट भी स्किप ना करो, नहीं फिर तुम कहते कि समझ नहीं आता, ये नहीं आता, मैं कमेंट के भी दस्यो कि थोड़ा समझ लगे। रचना आप की आप एक लाइन डॉट वाली खिंची है, आप उसनों की नाम दिता है BD, किस दे उत्ते लंब खिंची है AC दे उत्ते, तुम देख सकते हो AC दे उत्ते लंब खिंची है। सबूत की करना है जी ABC है तो ADB, उन्हां दे विच AA एंगल सांझा कौन है, देखो इस दे विच भी हैगा है और इस सारी च भी हैगा है, तो ए नूं आपां की कहांगे सांझा कौन। नैक्सट ABC इज इक्वल टू ADB, तो देखो जिहड़ा ABC किस दे बराबर है ADB। ठीक है, ये दोनों दे विच 90 डिग्री आ रहे, एक उपर आ रहा एक DB वाला आ रहा, मतलब B ते एक D केड़े हरेक किन्ने दे है 90 डिग्री दे। ठीक है, तो नैक्सट देखो ABC फिर उस दे नाल ADC, क्योंकि दो सिद्ध करने सीगे सांझा कौन 90 डिग्री, फिर इस दे नाल सिद्ध होंदा है कि ये दोनों क्या है ए दे एंगल दे अनुसार किया है, दोनों बराबर ने। हुण आपां नैक्सट देखते हैं, उन्होंने फिर दसिया है कि जिहड़ा AB है अपोन AD AC अपोन AB, तो उस दे विच जिहड़ा AB है वह किस दी स्केयर है। इस डायग्राम नूं ध्यान नाल देखो, इस डायग्राम दे विच उन्होंने कहा है कि जिहड़ी AB स्केयर है AB वह ये दो वालियां दे आ AC मल्टीप्लाई पूरी, पहले AC फिर मल्टीप्लाई AD, मतलब एक बड़ी वाली एक छोटी वाली का मल्टीप्लाई, ये आप इसनों की मान लेंगे 1। हूँ दूसरा BC किस दे आ BC, पहला AC बड़ी वाली फिर नीचे वाली, क्योंकि पहला असी उपर वाली ले ली सी, समझ रहे हैं ना तुसी,
पहला असी बड़ी वाली लिखी, मैं दोबारा दसदी हाँ, समझ लो तुसी ध्यान नाल। ए बी स्केयर इस दा पहला ए सी सारी, फिर ए डी। नैक्सट हूँ आप दूसरा लेना है बी सी का, लेना है बी सी लई लेना आप ए सी सारी मल्टीप्लाई डी सी। समझ लग गई ना, वन ए हो गया, टू ए हो गया। हूँ एक और दो दोनों जोड़न से साडे कोल की मिलता है, ए बी स्केयर और बी सी स्केयर प्लस आ वाले वन पा लिया और आ वाला टू पा लिया। ठीक है, दोनों पाने तो बाद इस तो अगे बहुत आसान है, ध्यान नाल समझो। ए बी बी सी हूँ ए सी की आ गए कॉमन आ गए बाहर कढ़ लिया, ए डी और डी सी अंदर रख ले। ए बी स्केयर बी सी स्केयर ए सी ए डी प्लस डी सी मिल के की बनाते हैं, देखो ए डी प्लस डी सी मिल के, ए डी प्लस डी सी मिल के क्या बनाते हैं ए सी। तो आप ए डी प्लस डी सी की जगह की लिख सकते हैं ए सी, लिख सकते हैं ना ए सी। तो ए सी मल्टीप्लाई ए सी हो जूगा ए सी स्केयर। ठीक है, तो फिर ए बी की स्केयर बी सी की स्केयर हमेशा की होंगी है ए सी की स्केयर। सब तो लोंगेस्ट साइड जी की होंगी दो दे बराबर होंगी है, तो यह ट्रेंगल बना है। तो यह थोड़ी सी पाइथागोरस थ्यूरम। चलो आप नैक्सट देखते हैं, उस तो पहले एक बार रेड कलर का बटन है सबसक्राइब करे वो चैनल में, उस तो अगे आप देखते हैं हूँ नैक्सट थ्यूरम। नैक्सट देखो थेल्स थ्यूरम तो मूल समान अनुपात थ्यूरम भी आप कह सकते, पेपर के बहुत इंपोर्टेंट थ्यूरम आ सकती है। तो फस्ट देखो, जेकर त्रिभुज के किसी भी भुजा की समांतर बाकी दो भुजावों कटती हुई कोई रेखा खिंची जाए तो उन्हें इन भुजावों समान अनुपात में वंडती है। तो तुम्हें पहले सब तो यह दिता है लिखना ए बी सी विच डी ई समांतर है बी सी दे। सिद्ध की करना है कि जी ए डी है ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। तो आप कहना सिक्स चैप्टर जोड़ा है वो इसी क्वेश्चन पर बेस है, तो पेपर के इस रिलेटड सम आऊगा। तो ठीक है, आप ये वाला सिद्ध करना है। तो रचना की करनी है, तुसी जिहड़ी बिच डॉटेड लाइनस खिंचिया ने यह वाली लिख के आनी ने तुसी। ये वाली जो डॉट वाली लाइनस ने इधर वाली तो फिर इधर वाली। तो तुसी देख लो किदा लिखना है, अगे तिकोण का खेत्रफल वन पॉइंट टू आधार मल्टीप्लाई लंब होंदा है। तो आप करते हैं आधार की है, पहले देखो ए डी ई उपर वाली देखो ए, एक मिनट, हाँ जी ए डी ई लिखन तो बाद हूँ आप लिखते हैं कि वन ए डी ई दे विच की सी वन पॉइंट टू। मैं उपरे डायग्राम बना लैनी हाँ एक मिनट, ए डी ए डी अपॉन बी डी। ए डी बी ई सी ठीक है। हूँ देखो इतने लिखा हुआ वन पॉइंट टू, पहला लेना है लंब इस विच ए ई सी खिंची हुई है, तो इधर डी पहले वन पॉइंट टू लंब और आधार ले लिया, फिर बी डी ई का ले लिया बी डी ई, इन दोनों के बिच वाला ले लिया ई एफ वाला। ठीक है, नैक्सट ये ई एफ न ई एफ कटिंग वन पॉइंट टू ना वन पॉइंट टू कट हो गया, तो साढ़े को बचे सिर्फ ये बचे ए वन हो गया साढ़े। नैक्सट उस तो बाद टू दे विच देखो की है ए डी ई और सी डी ई, उस दे विच भी की है वन पॉइंट टू लंब और आधार, फिर उस दे वन पॉइंट टू लंब और आधार दोनों लिखण तो बाद डी जी नाल डी जी वन पॉइंट टू ना वन पॉइंट टू कटिंग हो जूगी। तो ए डी ई तो अपॉन की बचिया ए ई अपॉन सी वन और टू बचिया। हूँ इस तो बाद एक होर कटिंग हो रही है ए डी नाल ए डी ई कट गया, उस तो बाद हम साडे कोल बी डी ई ते सी डी ई बचिया, दोनों बचे लिख ले नंबर तीन, तीन बचे आह। फिर आप लिखेंगे वन टू थ्री साढ़े को तीन बचे ने, उस तो बाद एक ए बचे ने, आप इस दोनों एक दूजे के प्रूव कर देंगे, तो इस जी कि थोड़ी थ्यूरम प्रूव हो जाती है। इदा पेपर से लिख के आऊँगे फुल मार्क्स मिलेंगे। चैनल से नवे तो चैनल सबसक्राइब कर लो, तो इन की जी उल्टी अनुपात दी थ्यूरम वो मैं हूँ थोड़ा नैक्सट करूँगी, पहला उस तो पहले चैनल सबसक्राइब करो, जल्दी जल्दी बैल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू।